भले ही कल जीत नीतीश सरकार की हुई हो लेकिन वह तो तेजस्वी प्रसाद यादव लूट ले गए भले ही जीत नीतीश कुमार की हुई हो लेकिन बिहार की जनता में तेजस्वी प्रसाद यादव का कल का भाषण पूरा असर कर रहा है तेजस्वी प्रसाद यादव हार कर भी जीत गए और वो कहा जाता है ना कि जो हार कर जीत जाए उसी को तो बाजीगर कहते हैं तो कल बिहार के सियासत से तेजस्वी प्रसाद यादव बाजीगर बनकर निकले देखिए तेजस्वी यादव एक ऐसा अकेला नेता जो सिर्फ मात्र बीजेपी को ही नहीं बल्कि जेडीयू को भी शांत रहकर बिहार में जो सियासी हलचल तेज हुआ केवल लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी प्रसाद यादव चुप रहकर जो काम कर दिए वह बड़े बड़े देश की पार्टी कुछ खेला करके भी नहीं कर पाती है हम बात बीजेपी की कर रहे हैं। बीजेपी देश के नंबर वन पार्टी है और बीजेपी को भी कहीं ना कहीं जिस तरीके से बिहार में झटका लालू यादव और उनके बेटे तेजस्वी यादव दे रहे थे तभी तो बीजेपी अपने विधायक को भी लेकर गया चल गए थे लेकिन खैर हो तो पुरानी बात हो गई लेकिन कल के मुद्दे पर हम आते हैं तेजस्वी प्रसाद यादव बिहार के राजनीति का वह युवा नेता वह युवा चेहरा जो सत्रह महीने बिहार के सियासत में रहकर नीतीश कुमार के अठारह साल के कार्यकाल पर उनका सत्रह महीना भारी पर रहा है कल सदन में जिस तरीके से एक बार लालू प्रसाद यादव ने कहा था कि तुम मुझको न चाहो तो कोई बात नहीं तुम मुझको न चाहो तो कोई बात नहीं मगर किसी और को चाहोगे तो मुश्किल होगी देखिए भले ही कल तेजस्वी प्रसाद यादव की हार हुई हो लेकिन बिहार के ग्यारह करोड़ जनता की नजर में तेजस्वी प्रसाद यादव की जीत हुई है और एक और फिल्म का डायलॉग याद आ रहा है दिलवाले का जिसमें कहा गया था कि हमें तो अपनों ने लूटा गैरों में कहा दम था हमें तो अपनों ने लूटा गैरों में कहा दम था मेरी कश्ती थी डूबी वहां जहां पानी ही कम था आरजेडी के साथ वही हुआ उनके ही विधायक आरजेडी से चेतन सांसद, सांसद, आनंद मोहन के बेटे हैं और दूसरा नीलम देवी अनंत सिंह की पत्नी मोकामा वाला और दोनों जिस तरीके से आरजेडी को धोखा दिए फिर भी तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहीं न कहीं चेतन आनंद और नीलम देवी को लेकर जो भाषण दिया उसे सुन आप भी इमोशनल हो जाएंगे उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो हमारा छोटा भाई चेतन है जब इधर उधर घूम रहा था कोई इसको टिकट नहीं दे रहा था तो हमने इसे टिकट देकर जिताने का काम किया है और हम जानते हैं कि इसकी क्या मजबूरी रही है इसके मजबूरी के साथ भी हम खड़ा है इसके पिता के काबलियत पर नहीं बल्कि इसके काबलियत पर हम टिकट दिए हैं और जीत भी हासिल करें और दूसरा नीलम देवी बाहुबली छोटे सरकार की पत्नी अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी वह भी कल सत्ता पक्ष में बैठी हुई नजर आई और सत्ता पक्ष में गई तो कहीं ना कहीं तेजस्वी प्रसाद यादव को जो बाहरी लोगों से जितना डर नहीं था उतने इनके अंदर जो इनके साथ थे वही इनके पीठ में खंजर भोग दिए हालांकि राजनीति है लेकिन तेजस्वी प्रसाद यादव एक बात तो कह दिए कि भले ही कोई आएगा चाहे नहीं आएगा तेजस्वी तो जरूर आएगा देखिए तेजस्वी प्रसाद यादव बिहार के सियासत में अब आप कह सकते हैं कि देखिएगा 2025 के विधानसभा चुनाव में तेजस्वी प्रसाद यादव के साथ जनता कदम से कदम मिलाकर साथ देगी क्योंकि लोग जान चुके हैं तेजस्वी प्रसाद यादव की जो इमोशनल बातें थी और उनचालीस मिनट के भाषण में तेजस्वी यादव ना सिर्फ नीतीश कुमार की बल्कि केंद्र के बीजेपी सरकार के साथ साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ साथ बिहार के दोनों डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी की जिस तरीके से भरे सदन में तेजस्वी ने गर्जा आपने वह भाषण जरूर सुना होगा बहरहाल लगातार एक एक अपडेट हम आपको दे रहे हैं बिहार एक सोच पर बने रहे बहुत बहुत, बहुत धन्यवाद